ज्यादातर लोग क्विक फिक्स चाहते हैं, लोग चाहते हैं अभी सारे मामला ठीक हो जाएं, ओवरनाइट काम या भी कारोबार में या अपने गोल्स में या टारगेट्स में ओवरनाइट कामयाबी। आप में से कौन कौन है जो ओवरनाइट कामयाबी में बिलीव करता है, कारोबार में या जिंदगी में या खुशी के हसूल के लिए ओवरनाइट कामयाबी? जी, ओवरनाइट ये देखने में आता है, लोग बहुत जल्द तरक्की चाहते हैं, बहुत जल्द। लेकिन दुनिया में तरक्की उनको मिलती है जो उसमें प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं। यानी किसी भी गोल के दो हिस्से होते हैं, एक के वो गोल आप हासिल करेंगे, दूसरा के कितनी देर में हासिल करेंगे। और अक्सर दूसरा हिस्सा जो है लोग ज़्यादा तवज्जो से डिज़ाइन नहीं करते। मुझे बताएं कि जब आप कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो आपके जहन में क्या होता है कि कितनी देर में बन जाएगा, और आपका जो अंदाज़ा होता है वो कितना दुरुस्त साबित होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक कनाल का मकान बनाना है तो उसके लिए ज़्यादातर लोग कितना टाइम पीरियड मुकर्रर करते हैं? 3 माह का 4 माह का। 3 माह में 4 माह में हो जाता है? नहीं होता। 6 महीने कम अज़ कम साल। अगर आपने बहुत आर्किटेक्ट और ठेकेदार और अपना मैनेजमेंट को बहुत अच्छा रखा हुआ है तो कम अज़ कम 1 साल लगेगा। ये आमतौर पर गोल के जो दो हिस्से होते हैं उसमें एक हिस्सा टाइम ड्यूरेशन के बारे में होता है, और इस बारे में हम अमूमन डंडी मार जाते हैं और कम टाइम हम मुकर्रर करना चाहते हैं। अगर आप दर्जी को कपड़े सीने के लिए देते हैं तो आप चाहते हैं परसों तक हमें वापस दे दिए जाए, और दर्जी वादा करता है 1 हफ्ते का और वापस देता है 3 हफ्ते के बाद। तो क्या आप समझते हैं कि किसी चीज़ में जो टाइम स्पेन है, अगर हम इसको ठीक कर लें, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है अगर हम उसको ठीक कर लें तो आधी कामयाबी तो इससे मिल जाती है कि कितना वक्त लगेगा वो हम सही तयन कर लें, और फिर क्या कुछ करना पड़ेगा, बाकी का 50% दारोमदार उस पर होता है।